डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिस्कशन का, जिसमें हम जो लास्ट टाइम देख रहे थे और हमने पूरी बात कंप्लीट नहीं की थी, वो ये था कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स। और उसमें मैंने कहा आपको ये बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस, यानी अगर प्लस हो तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर वेरिएबल से पहले लगा हो, जैसे इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे वॉय से पहले लगा हुआ है, तो इसे आप कहेंगे जी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर ये वेरिएबल के बाद लगा हो तो आप इसे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे माइनस होता तो ये यहाँ पे होता प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये डिस्कशन होना अभी बाकी थी कि अगर आप प्लस पहले लगाते हैं या बाद में लगाते हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो उसके लिए आज स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। ये इतनी डिटेल्ड एग्जांपल है, ये इतनी डिटेल्ड एग्जांपल है कि इस एग्जांपल से हमें जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है। मतलब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, तो x की यहाँ पे वैल्यू फिलहाल हम छोड़ भी दें, ये इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ। x इक्वल्स y प्लस प्लस, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए बोलेंगे y प्लस प्लस बाद में हो, अगर y प्लस प्लस अगर प्लस प्लस का साइन अगर वेरिएबल के बाद में हो तो क्या होगा कि y की वही वैल्यू यूज होगी, y की ob वाली वैल्यू, y के अंदर y इक्वल टू y प्लस वन नहीं होगा, y इक्वल टू y प्लस वन होगा इस सेमी कॉलन के बाद। इस सेमी कॉलन के फौरन बाद y के अंदर एक का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यानी अब मैं सॉल्व करूंगा तो y प्लस प्लस है, तो मैं y प्लस प्लस का मतलब है 35 प्लस वन 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा 35, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है प्लस का साइन बाद में, या अगर माइनस का साइन भी होता और वो बाद में होता तो यहाँ पे प्लस या माइनस ना होता, बल्कि वो जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो इस्तेमाल हो जाती, जैसे अभी यहाँ पे वाई की वैल्यू 35 इस्तेमाल हुई है। ठीक है, अभी एक का इजाफा होना बाकी है, लेकिन वो कब होगा, इस सेमी कॉलन के बाद, एक्स प्लस प्लस वाले सेमी कॉलन के बाद। अब यहाँ पे आते हैं एक्स के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, और 20 प्लस 1 यहाँ पे भी प्लस प्लस जो है वो वेरिएबल के बाद है, तो इसलिए इसकी जो अभी वाली वैल्यू है x की शुरू वाली, जो इस प्लस प्लस के बगैर जो इस्तेमाल हुई है वो वैल्यू इस्तेमाल होगी, और वो क्या है 20 वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब y में भी इजाफा होना बाकी है और x में भी इजाफा होना बाकी है, तो इस सेमी कॉलन के फौरन बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा y इज इक्वल टू y प्लस वन, ये भी मैं इसमें लिखता हूँ y इज इक्वल टू y प्लस वन, तो y इक्वल y प्लस वन, और ये हो जाएगा 35 प्लस वन इज इक्वल टू 36। इस सेमी कॉलन के फौरन बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यानी ये जो स्टेटमेंट है हमें अभी इस तक नहीं पहुंचे, इससे पहले पहले इस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के आने से पहले पहले ये प्रोसेस होगा जो मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ। एक्स में इजाफा भी होगा क्योंकि ऊपर एक्स प्लस प्लस है, यानी प्लस प्लस बाद में, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस बाद में होने की वजह से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और एक्स इक्वल्स ऊपर वैल्यू 20 थी, एक्स प्लस वन इक्वल 20 प्लस वन इक्वल 21। अब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या हो चुकी हैं, 36 और 21। ठीक है, जो इस सेमी कॉलन के फौरन बाद ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी, और ऐसे हो जाएगा। इसकी वजह मैंने अभी बताई है कि जब आपके पास वेरिएबल के बाद प्लस प्लस हो रहा है तो फिर आप y की जो पहली जो करंट वैल्यू है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर प्लस नहीं करते। प्लस कब होता है, सेमी कॉलन के फौरन बाद, जैसे मैंने यहाँ पे की है, उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब प्लस प्लस वाई,
लेकिन मैं आपको बताया था कि अगर प्लस प्लस वाई बाद में है तो फिर इजाफा भी बाद में होगा, सेमी कॉलन के फौरन बाद। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस वाई चूंकि वाई से पहले है, वेरिएबल से पहले है, तो यहाँ पे इसी वक्त इजाफा हो जाएगा। और वाई की वैल्यू ऊपर आप देख चुके हैं वो क्या है, 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, वाई इक्वल 36 प्लस 1 इक्वल 37। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 37, वाई की वैल्यू 37 हो गई। और इसमें इजाफा होना है, साथ में प्लस है और फिर प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी जी, इसी में। इसकी वजह क्या है कि एक्स से भी पहले है ये प्लस प्लस, और एक्स की वैल्यू चेंज हो, क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ऊपर क्या थी 21, यहाँ पे हो जाएगी 22। और अब ये प्रोसेस होगा जिसे आप कहते हैं, इस जगह पे हमने ये प्रोसेस नहीं किया, इस जगह पे हम कर चुके हैं। इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट हमारे पास आया था 35 प्लस 20, ये आता थे 55। और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल 37 प्लस 22, ये हमारे पास बन जाएगा जी, अगर इसे ऐड करें तो 37 प्लस 10 47, 57 और 59, ये 59 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू है 55 और y की वैल्यू है हमारे पास, नहीं सॉरी, ये मैं बताना भूल गया गलती से, ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है 55, इसके बाद y की तो वैल्यू 36 हो गई, लेकिन x की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो चुकी थी, 20 नहीं रही थी, 55 हो चुकी थी। ये 55 में इजाफा होगा 56 का, और यहाँ पे जो 56 में इजाफा हो रहा है वो 57 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट चेंज होके 37 और 57 में 94 हो जाएगा शायद। ठीक है, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन आएगा तो उस स्टेटमेंट के अंदर वाई की करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी, उसके अंदर इजाफा या उसके अंदर कमी नहीं करनी, बल्कि इजाफा या कमी कब होगी, सेमी कॉलन के बाद। तो इसलिए हमने वाई प्लस प्लस के अंदर एक का इजाफा नहीं किया, बल्कि वाई की वैल्यू 35 ले ली, और एक्स की वैल्यू क्या थी 20, और यहाँ पे चूंकि प्लस प्लस बाद में था तो इसलिए एक्स की करंट वैल्यू ली है 20। 35 और 20 क्या हो गए, 55। लेकिन सेमी कॉलन के फौरन बाद ये एक का इजाफा इसकी वजह से और एक का इजाफा इसकी वजह से करना है, तो वाई की वैल्यू तो चूंकि 35 है वो 36 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू अब चेंज होकर 55 हो चुकी है, ये 56 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप आते हैं अगली स्टेटमेंट पे, और उसमें प्लस प्लस वेरिएबल से पहले है तो इसी स्टेटमेंट में चेंज होगी वैल्यू। ऊपर इसकी वैल्यू वाई की 36 है, यहाँ पे 37 हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू 36 थी, अब यहीं पे इसी स्टेटमेंट में 37 हो गई, और प्लस प्लस एक्स इसी स्टेटमेंट में, ये पहले 56 था ये 57 हो गया, और अब इनकी करंट वैल्यू इस्तेमाल, बल्कि इनकी जो चेंज्ड वैल्यू है यही यहाँ पे इस्तेमाल होगी, 37, और एक्स की वैल्यू क्या थी वो 57। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 94। ठीक है, इसे प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे टर्बो सी के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे अगर कोई रिजल्ट में एक फर्क है डेव सी प्लस प्लस में और टर्बो सी में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि टर्बो सी वर्सेस प्लस प्लस, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि टर्बो सी ने जो काम करना है वो ऐसे करना है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, टर्बो सी क्या करती है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स ऑपरेटर्स, दोनों में फर्क करती है, जैसे मैंने अभी बताया है यहाँ पे आपको, ये फर्क मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि दोनों में फर्क है। और वो क्यों है कि अगर प्लस प्लस
उस स्टेटमेंट के अंदर आता है तो वहीं चेंज आ जाती है, और अगर स्टेटमेंट के यानी वेरिएबल के बाद आता है तो करंट वैल्यू इस्तेमाल होती है, और सेमी कॉलन के फौरन बाद आप इजाफा करते हैं और आगे की स्टेटमेंट में फिर ये वाली वैल्यूज अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल नहीं होती बल्कि करंट वैल्यू इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि टर्बो सी में क्या होता है कि डिफरेंशिएट करती है, और डिफरेंशिएट में क्या होता है कि पोस्ट फिक्स यानी बाद में आने वाली के लिए पोस्ट फिक्स केस में इन पोस्ट फिक्स केस यूजेस द करंट वैल्यू एंड एड्स इंक्रीमेंट वन, इसे हम कह देते हैं इंक्रीमेंट वन एंड इंक्रीमेंट वन आफ्टर सेमी कॉलन। ठीक है, जबकि डेव सी प्लस क्या करता है, ये जो डेव सी प्लस है थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, क्योंकि हम डेव सी प्लस प्लस में थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि डेव सी प्लस प्लस में ये होता है कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट, इट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर कोई फर्क नहीं करता पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो उसका मतलब क्या होगा, ये फर्क नहीं करता, तो ये क्या करेगा कि उसी स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू अगर आप चाहे बाद में लगाएं चाहे पहले लगाएं, उसी स्टेटमेंट के अंदर डेव सी प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट करेगा और अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल कर लेगा। जबकि टर्बो सी में क्या होता है, जो पुराना टूल है जिसमें ये बुक लिखी गई है, वो क्या करती है कि जो अपडेटेड वैल्यू है पोस्ट फिक्स के केस में, यानी जिसमें ऑपरेटर ये प्लस प्लस साइन बाद में आता है, इस पोस्ट फिक्स वाले केस में जो करंट वैल्यू इस्तेमाल करती है और इस सेमी कॉलन के बाद जाके वैल्यू अपडेट करती है, और फिर आगे के केसेस में ये अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जो प्लस प्लस साइन है उसमें उसी स्टेटमेंट के अंदर अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल होती है। लेकिन डेव सी प्लस जो है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये चूंकि अब थोड़ा सा एडवांस टूल है, इनके अंदर क्या है कि ये दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं करती, चाहे प्लस प्लस बाद में लगे चाहे प्लस प्लस पहले लगे, ये उसी स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देती है। तो हम देखते हैं कि इस क्या फर्क पड़ता है स्टेटमेंट में, रिजल्ट क्या आता है, उसूलन आना चाहिए हमारे पास एक्स की वैल्यू प्रिंट हो के 57 और 94 रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, 1 और 4 क्यों कह दिया, ये हम आगे कर देते हैं ताकि कोई मसला ऐसा हो सके, और इस पर इशू बना रहा है। वैल्यूज 1 और 4 ये गलत है, इस तरह नहीं आना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू, हम इस तरह स्टेटमेंट में ये लगा के देखते हैं ब्रैकेट, देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है। एक्स और वाई ब्रैकेट लगाने से क्या आता है ये भी देख सकते हैं। तो इस केस में जो है वो हमारे पास आउटपुट जो है अगर आप देखें तो वो ये आई है कि डेव सी प्लस प्लस जो है वो प्लस प्लस बाद में आया है या प्लस प्लस जैसे यहाँ पहले पहले आ रहा है वाई से पहले आ रहा है और यहाँ पे वाई के बाद आ रहा है, तो डेव सी प्लस प्लस दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती,
और वो इसको कैसे ट्रीट करती है, वो इस इन दोनों को एज ए पोस्ट फिक्स डील करती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इस तरह आप समझ लें कि मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों का जो रिज़ल्ट होगा इस केस को वो ऐसे डील करेगी इस तरह, बल्कि अगर आप वाई को प्लस प्लस बाद में लिखें तो भी वो करंट वैल्यू यूज़ करेगी, और अगर वाई के से पहले लगाएं तो भी वो करंट वैल्यू यूज़ करेगी, और इस केस में वाई की अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल नहीं करेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें डेव सी प्लस प्लस वाले रूल के मुताबिक, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे वाई प्लस वन है तो मैंने कहा करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी, और प्लस प्लस बाद में तो करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी, ये करंट वैल्यू ही यूज़ करता है, तो 3525 हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट कर देता है, जैसे यहाँ पे वाई को 36 और एक्स को 56 कर दिया। अब यहाँ पे वाई प्लस प्लस है तो टर्बो सी यहाँ पे वाई की अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल करता है जो कि 37 है, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल डेव सी प्लस प्लस नहीं करेगा बल्कि वो 36 ही लेगा, करंट वैल्यू यूज़ करेगा, और प्लस प्लस एक्स की भी करंट वैल्यू यूज़ करेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 56 है, 56 यूज़ करेगा, और 56 और 36 यूज़ करने के बाद सेमी कॉलन को, इस सेमी कॉलन के बाद जो एडिशन होगी वो क्या होगी, वाई के अंदर एक इंक्रीमेंट आएगा और वाई यहाँ पे हो जाएगा 37, लेकिन ये ऐसे होगा, यहाँ पे 36 ही यूज होगा, 56 ही यूज होगा, और ये 36 और 56 92 बन जाते हैं। इसके बाद इंक्रीमेंट आएगा तो वाई 37 हो जाएगा और एक्स जो है वो पहले 56 था, अब 57 हो जाएगा। और जब आप प्रिंट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या थी, करंट वैल्यू एक्स की क्या है, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 57 हो गई, तो यहाँ पे चेंज होनी चाहिए थी वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ ये 56 ही है। अब वाई की वैल्यू देखें चेंज हो गई है, और ये 92 से इस सेमी कॉलन के बाद चेंज होने की वजह से यहाँ पे 93 हो गई है, लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जूलन एक्स की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए थी। बल इसमें जो है वो सिंपल मैं जो है ना वो आपको हल बता देता हूँ, जो मैंने इससे पहले बताया कि टर्बो सी में अगर प्लस प्लस बाद में आए, टर्बो सी के अंदर अगर प्लस प्लस बाद में आए तो यहाँ पे करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी और इस सेमी कॉलन के बाद एडिशन होगी, और अगर सेमी कॉलन अगर वेरिएबल से पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस आए तो इसी के अंदर यहीं पे आपने प्लस कर देना है और अपडेटेड वैल्यू यूज़ करनी है। डेव सी प्लस प्लस में ये इसका अपोजिट है, यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर चाहे प्लस प्लस बाद में है चाहे पहले है, तो आपने क्या करना है कि इनकी करंट वैल्यू यूज़ करनी है वैल्यू, और जो एडिशन करनी है वो सेमी कॉलन के बाद करना है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम।